क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एट फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन एंड फाइव सबसे पहले हम इन नंबर्स का एल्सीम फाइंड करेंगे एट फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन और फाइव सबसे पहले ये टू पे जाएगा फोर फिफ्टीन एट ट्वेंटी वन फाइव फिर टू पर जाएगा टू फिफ्टीन फोर ट्वेंटी वन फाइव फिर से टू पे जाएगा वन फिफ्टीन टू ट्वेंटी वन फाइव अब ये थ्री पे जाएगा वन फाइव टू सेवन फाइव फाइव पे जाएगा वन वन टू सेवन वन अब इन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू टू फोर इंटू टू एट एट इंटू थ्री ट्वेंटी फ़ोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू टू टू फोर्टी टू फोर्टी इंटू सेवन सिक्सटीन एटी तो एल आएगा एल इन नंबर्स का एल आएगा सिक्स सिक्सटीन एटी ग्रेटस्ट फाइव डिजिट नंबर होता है ग्रेटस्ट फ़ाइव डिजिट नंबर नाइन 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 अब इस नंबर को हम सिक्सटीन एटी से डिवाइड करेंगे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो है एट सेवन नाइन अब इस ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर में से हम एट सेवन नाइन माइनस कर देंगे तो माइनस करके आएगा नाइन नाइन वन टू ज़ीरो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय एट फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी वन एंड फाइव क्वेश्चन नंबर सेकेंड वेन टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस वन इज़ डिवाइडड बाई सेवेन द रिमाइंडर इज टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर माइनस वन डिवाइड बाय सेवेन सबसे पहले हम टू रेज टू पावर ट्वेंटी फोर को हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर थ्री इं थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू एट थ्री एट जै ट्वेंटी फोर होते हैं माइनस वन ओवर सेवन टू रेज टू पावर थ्री टू को हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एट एट रेज टू पावर एट माइनस वन ओवर सेवन सेवन को जब हम एट से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा माइनस वन ओवर सेवन वन माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर सेवन ज़ीरो ओवर सेवन इज़ इक्वल टू जीरो तो रिमाइंडर आएगा ज़ीरो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ सेवेंटी वन रेज टू पावर एटी थ्री प्लस सेवेंटी थ्री रेज टू पावर एटी थ्री इज डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स द रिमाइंडर इज़ अगर ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन ये इक्वल होता है ए प्लस बी इफ एन इज़ और नंबर अब यहाँ पर एन की वैल्यू एटी थ्री है विच इज़ और नंबर ए प्लस बी ए की वैल्यू है सेवेंटी वन प्लस बी की वैल्यू सेवेंटी थ्री प्लस करके आएगा वन फोटी फोर इज़ डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स जब इसे हम थर्टी सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो रिमेंडर आएगा ज़ीरो ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ थर्टी वन रेज टू पावर फोर्टी सेवन प्लस फोर्टी थ्री रेज टू पावर फोर्टी सेवन इज डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन द रिमाइंडर इज़ थर्टी वन रेज़ टू पावर फोर्टी सेवन प्लस फोर्टी थ्री रेज टू पावर थर्टी रेज टू पावर फोर्टी सेवन इज़ डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन द रिमाइंडर इज़ हमें रिमाइंडर फाइन करना है ए रेज़ टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन ये इक्वल होता है ए प्लस बी अगर एन की वैल्यू इफ़ एन इज़ ऑड नंबर अगर एन की वैल्यू ऑड नंबर है तो यहाँ पर एन की वैल्यू फोर्टी सेवन है विच इज़ ऑड नंबर तो ए तो की वैल्यू है थर्टी वन प्लस बी की वैल्यू फोटी थ्री तो ये प्लस करके आएगा सेवेंटी फोर इज़ डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन जब हम इसे थर्टी सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर आएगा ज़ीरो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू फोर्टी थ्री इज लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर होता है सिक्स डिजिट नंबर सिक्स नाइन आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है तो इसे जब हम टू फोर्टी थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर क्या आएगा रिमाइंडर फिफ्टी फ़ोर को हम लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में से हम माइनस करेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस फिफ्टी फोर तो ये माइनस करके आएगा नाइन 99945 so this is the largest six digit number exactly divisible by 243 option b next question is five tables and six chairs cost rupees 2500 and three tables and two chairs cost rupees 1300 what is the cost of one table and one chair together five tables or six chairs cost Rs. 2500 और थ्री टेबल्स और टू चेयर्स की कॉस्ट है थर्टीन हंड्रेड तो हमें वन टेबल और वन चेयर की कॉस्ट बतानी है फाइव टेबल्स टी मीन्स टेबल्स एंड मीन्स प्लस सिक्स चेयर्स सिक्स चेयर्स सी मीन्स चेयर्स फाइव टेबल्स और सिक्स चेयर्स दोनों को मिला के इसकी कॉस्ट है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और नेक्स्ट इक्वेशन है थ्री टेबल्स प्लस टू चेयर्स इन दोनों को मिला के इसकी कॉस्ट है थर्टीन हंड्रेड इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें एक टेबल और एक चेयर दोनों की कॉस्ट बतानी है यहाँ पर चेयर का कोफिशेंट सिक्स है और यहाँ पर चेयर का कोफ़िशेंट टू है तो सबसे पहले हम चेयर के कोफिशेंट इक्वल करेंगे इक्वल करने के लिए हम इस वाली इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि थ्री को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पर सिक्स चेयर्स है मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री नाइन टेबल्स प्लस फिर थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स चेयर्स इज इक्वल टू फिर थ्री को थर्टीन हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया थर्टी नाइन हंड्रेड फिर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे माइनस माइनस और माइनस फाइव टी में से हम नाइन्टी माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस के फोर्टी ये कैंसिल प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से माइनस थर्टी नाइन हंड्रेड माइनस करेंगे तो थर्टी नाइन हंड्रेड में से हम ट्वेंटी फाइव माइनस करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो ज़ीरो फोर वन माइनस के फोर्टीन हंड्रेड माइनस से माइनस कैंसल तो टेबल की कॉस्ट आएगी फोटीन हंड्रेड डिवाइड by फोर तो ये डिवाइड करके आएगा थ्री फिफ्टी तो एक टेबल की कॉस्ट है थ्री फिफ्टी अब हमें वन चेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम टी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे थ्री टी थ्री इंटू टी की वैल्यू थ्री फिफ्टी फिर प्लस टू सी इज़ इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इन टू थ्री फिफ्टी वन थाउजेंड फिफ्टी प्लस टू सी इज़ इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड टू सी इज इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड फिफ्टी तो ये माइनस करके आएगा टू फिफ्टी टू फिफ्टी डिवाइड बाय टू वन ट्वेंटी फाइव तो एक चेयर की कॉस्ट है वन ट्वेंटी फाइव और एक टेबल की कॉस्ट है थ्री फिफ्टी वॉट इज़ कॉस्ट ऑफ वन टेबल एंड वन चेयर अब हमें वन टेबल और वन चेयर की कॉस्ट बतानी है वन टेबल प्लस वन चेयर एक टेबल की कॉस्ट है थ्री फिफ्टी प्लस वन चेयर की कॉस्ट है वन ट्वेंटी फाइव तो ये ऐड करके आएगा फाइव सेवन फोर फोर सेवेंटी फाइव रुपीज़ ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज the area of triangle is half the area of square the perimeter of the square is 224 centimeter what is the area of the triangle the area of triangle area of triangle is equal to half the area of square area of square इफ़ द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ पैरीमीटर ऑफ स्क्वा गिवेन हमें टू टू फोर और स्क्वायर का पैरीमीटर होता है फोर इंटू साइड इज इक्वल टू 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 फोर और साइड की वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे टू टू फोर को हम फोर से तो ये डिवाइड करके आएगा फिफ्टी सिक्स एरिया ऑफ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ़ ट्राइ तो हमें ट्राइंगल का एरिया फ़ाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइ इज इक्वल टू हाफ़ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड हाफ इंटू साइड की वैल्यू हमें फाइंड की है फ़िफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स इंटू फिफ्टी सिक्स कैंसल करेंगे टू से फिफ्टी सिक्स कैंसल करेंगे तो ये आएगा ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फिफ्टीन सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ ट्रेन रनिंग एट नाइन्टी किलोमीटर पर आर क्रॉसिज अ पोल इन टेन सेकेंड्स वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन स्पीड हमारे पास गिवेन है स्पीड इज इक्वल टू नाइन्टी किलोमीटर पर आर टाइम दिया हुआ है टेन सेकेंड्स टाइम हमारे पास सेकेंड्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आर में है सबसे पहले हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे नाइन्टी इंटू वन किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई ओवर ये आर है आर को पहले मिनट में चेंज करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए सिक्सटी से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे फिर से सिक्सटी से डिवाइड कैंसिल करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो से ज़ीरो थ्री के टेबल पर थ्री टू हज़ार सिक्स थ्री थ्री हज़ार नाइन थ्री टू हज़ार सिक्स टू के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा फिफ्टी फिर कैंसिल करेंगे ट्वेंटी फाइव तो स्पीड आएगी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम लेंथ हमारे पास है लेंथ हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन और स्पीड है ट्वेंटी फाइव स्पीड है ट्वेंटी फ़ाइव और लेंथ हमने फाइंड करनी है टाइम दिया हुआ है टेन सेकेंड तो ये आएगा टेन को हम ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टू फिफ्टी मीटर इज़ इक्वल टू लेंथ तो लेंथ की वैल्यू है टू फिफ्टी मीटर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वन नाइन्टी टू मीटर लॉन्ग रोड इज़ कट डाउन इन टू स्मॉल पीसीज ऑफ लेंथ थ्री पॉइंट टू मीटर ईच दैन हाउ मनी पीसीज आर अवेलेबल हमारे पास गिवन है एक लॉन्ग रोड है जिसकी लेंथ है वन नाइन्टी टू मीटर इस कट डाउन इन टू स्मॉल पीसीस इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए ऑफ लेंथ थ्री पॉइंट टू मीटर ईच एक पीस की जो लेंथ है वो है थ्री पॉइंट टू मीटर देन हाउ मैनी पीसीस तो ये कितने पीस में कट हुआ है तो 192 को हम 3.2 से डिवाइड करेंगे 192 नाइन्टी टू ओवर थर्टी पॉइंट का 10 लगेगा कैंसिल करेंगे 32 को 192 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे कट होगा 6 इंटू टेन सिक्सटी पीसीज तो इसके बनेंगे 60 पीसीज ऑप्शन ए